हेलो एवरीवन, दिस इज तेज प्रसाद फ्रॉम आरएससी परिवार चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले बेसिक जो था इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। मतलब एक दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर क्या टेम्परेचर वहाँ का रहा है वो हमें एक नंबर लाइन में शो किया गया है। ठीक है, अलग अलग जगह का टेम्परेचर, जैसे ये लाहौल स्पीति है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है वो एरो से दिखाया गया है, श्रीनगर का दिखाया गया है, शिमला का। अब पहले हम नंबर लाइन को रीड करते हैं। देखिए नंबर लाइन के बीच में हमारे को जीरो दिया हुआ है, जीरो के बाद में देखो 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें एक लाइन हो रहा है। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे आगे बढ़ रहा है, और जीरो के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5। तो नंबर लाइन आपने पहले फर्स्ट वाले वीडियो में देख रखी, कैसे हम रीड आउट करते हैं उसके बाद में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें ए पार्ट में ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन को देखना है एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्क ऑन इट। जो प्लेस लिखे हुए हैं उनका टेम्परेचर हमें यहाँ पर बताना है कितना कितना है। देखिए मैं लाहौल स्पीति को L से डिनोट कर रहा हूँ, L से। अब इसका टेम्परेचर कितना है देखिए, हम यहाँ से देखते हैं। देखो -5, -6, -7, -8, ये कितना हो जाएगा -8 है, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। ये किसका हो गया, लाहौल स्पीति का। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर। श्रीनगर को मैं SRI से डिनोट कर रहा हूँ। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा देखिए, 0, -1, और ये कितना है -2, तो इसका होगा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा हो गया श्रीनगर का। उसके बाद में शिमला का देखते हैं, सिंपल हमें दिखाई दे रहा है। शिमला का टेम्परेचर एस से मैं डिनोट करूँ तो ये 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला का कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का, ऊटी को मैं ओ से डिनोट करता हूँ तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है, 10, 11, 12, 13, 14, कितना होगा 14 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु का हम अगर टेम्परेचर देखें तो बेंगलुरु का 20 से अगर मैं डिनोट करता हूँ तो देखिए 20, 21 और 22 डिग्री सेल्सियस, ये किसका हो गया, बेंगलुरु का। हमने सारी जगहों का टेम्परेचर यहाँ पर लिख दिया है, तो ये आपका ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी, बी में व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसका आंसर करें, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हॉटेस्ट प्लेस का, तो हॉटेस्ट का मतलब सबसे गर्म कौन सा स्थान है। तो सबसे गर्म देखो, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, और हॉटेस्ट कौन सा है, बेंगलुरु। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु, और उसका टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, हमने ऊपर लिखा हुआ है। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे जो ठंडा है वो, जो माइनस में जिसका टेम्परेचर होगा वो सबसे कोल्ड होगा, तो माइनस में कौन सा है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना दिया गया है हमको, -8 डिग्री सेल्सियस। हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है हमें, हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। मतलब आपको हॉटेस्ट में से आपको क्या करना है, कोल्डेस्ट को माइनस करना है। हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट कितना है 22, माइनस कोल्डेस्ट कितना है -8। यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये माइनस तो आया है, 27 हमने किया है उसका, और -8 किसका है, टेम्परेचर का -8। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में अब देखिए डिफरेंस निकालें, 22 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। माइनस को मल्टीप्लाई से माइनस करने पर तो आंसर कितना आएगा, +8, और जब दोनों को ऐड करेंगे 22 + 8 तो हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें
तो देखिए व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। जैसे अभी हमने ऊपर वाला टाइम क्वेश्चन किया है, सेम ये वाला क्वेश्चन होगा। हमको डिफरेंस में निकालना है, ठीक है। डिफरेंस किसका निकालना है? लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? माइनस का 8, ठीक है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? माइनस का 8। उसमें से हमने माइनस करना है किसको? श्रीनगर को। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? माइनस का 2। तो ये देखिए माइनस 8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस अभी बताया था कि क्या होता है प्लस, तो ये प्लस और 2, ठीक है। अब ये देखिए एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है। जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस का होता है तो आपको बताया हुआ है क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन मतलब लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। और जो साइन जो यहाँ पर आएगा वो आएगा लार्ज नंबर का। साइन किसका आएगा? लार्ज नंबर। लार्ज नंबर हमारे पास कौन सा है? 8। उसका साइन क्या है? माइनस। तो आंसर किसका आएगा? माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब डिफरेंस हमने लिया है लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस लेने पर माइनस 8 माइनस माइनस का 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 और डिफरेंस कितना आ गया? माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। मतलब हमें श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ में लेना है। इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। हमें ये बताना है कि जब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ में हम लें, दोनों को ऐड करें, तो क्या वो शिमला से कम होगा? तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ देखते हैं डी पार्ट का। देखिए डी पार्ट का आंसर ये रहा। सबसे पहले हम क्या करें? श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को ऐड करें। श्रीनगर प्लस शिमला, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए डी पार्ट का आंसर हम यहाँ देख लेते हैं डी पार्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है श्रीनगर प्लस शिमला। श्रीनगर प्लस शिमला, श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए यहाँ पर हमने ऊपर लिखा होगा कितना है? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? माइनस का 2। उसके बाद में शिमला का टेम्परेचर कितना है? शिमला का टेम्परेचर देखिए ये रहा प्लस का 5, प्लस का 5। अगर हम दोनों को देखें तो एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, ऐसा होने पर सब्ट्रैक्ट होगा लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। और साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा लार्ज नंबर का, तो प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब दोनों को हमने एक साथ में लिया है तो आंसर हमारा आया है प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम शिमला का टेम्परेचर देखें तो शिमला का टेम्परेचर है प्लस का 5 डिग्री टेम्परेचर। तो दोनों को एक साथ लेने पर जो टेम्परेचर आया वो हमारा शिमला के टेम्परेचर से कम आया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कैन वी से टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो आंसर क्या होगा? यस, आंसर होगा यस। शिमला प्लस श्रीनगर का टेम्परेचर एक साथ में लेने पर वो शिमला के टेम्परेचर से कम आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।